नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावनेर पुरातन महत्व प्राप्त शहर सारस्वतपुर, जो आज सावनेर शहर के नाम से जाना जाता है, यह कोला नदी के तट पर स्थित भव्य हेमाडपंती मंदिर तथा परिसर श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव भक्तों की उमड़ती है भीड़। मराठी श्रावण का पहला सोमवार तथा इस दिन नागपंचमी होने से शिव भक्त चराचर में वास करने वाले भगवान शिव का दर्शन तथा आराधना करने को आतुर है। जयमिनी अश्वमेध इस पौराणिक ग्रंथ के अनुसार यमराज के ससुराल सावनेर शहर या ऐतिहासिक व पौराणिक नगरी सारस्वतपुर है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने दिग्विजय हेतु छोड़ा क्या शामकर्ण नामक अश्व उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते हुए सावनेर नगरी के सीमा में पहुंचने पर तत्कालीन राजा वीरकर्मा के पुत्रों ने उसे रोककर पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और पांचों पुत्र उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने पर राजा वीर वर्मा की पुत्री मालिनी, जो की शिव भक्त थी, उसने युद्ध को जारी रखते हुए पांडव सेना में भगदड़ निर्माण कर तहस नहस कर दी। यह वृत्तांत नारद मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पता चलने पर उन्होंने खुद मध्यस्थता कर इस युद्ध को रुकवाकर शिव भक्त मालिनी का विवाह यमराज से करवाया। कोलार नदी के तट पर आज भी शिव भक्त मालिनी द्वारा तैयार किया गया बालू का शिवलिंग और उस पर हेमाडपंती कारागिरो द्वारा भव्य निर्माण किया हुआ मंदिर श्रद्धालु के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर की गई हर मनोकामना भोलेनाथ यशाशीघ्र पूर्ण होती है, ऐसी आस्था प्रचलित है। श्रावण मास नागपंचमी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष शिव मंदिर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा अभिषेक, रुद्राभिषेक, रामायण, महाभारत, भागवत गीता आदि का भव्य आयोजन कर हर त्योहार को महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है, किंतु कोविड संक्रमण के सभी दिशा निर्देशों में पूर्णता शिथिलता आने की वजह से इस श्रावण मास के आयोजन सावनेर शहर तालुका ही नहीं तो संपूर्ण विदर्भ से पधारे हजारों हजार शिव भक्तों की उपस्थिति इस आयोजन को विशाल मेले में परिवर्तित करता है। महोत्सव हेतु मंदिर परिसर को अत्यधिक रोशनाई से सजाया जाता है। शिव मंदिर की रोशनाई के प्रतिबिंब को करीब से बहने वाली कोला नदी में जल में देखने का आनंद श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही इस हेमाडपंती शिव मंदिर के और दो विशेष आयोजन है, जिनमें श्रावण मास में होने वाले 7 दिवसीय सप्ताह में 7 दिनों तक इस मंदिर की घंटा निरंतर बजती रहती है और दूसरा आयोजन हर सप्ताह के मंगलवार को पुरातन शिवलिंग का विभिन्न फूल तथा रुद्राक्षों से श्रृंगार श्रद्धालुओं को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में सैकड़ों खंडित मूर्तियां भी है, जिन्हें औरंगजेब के शासन काले तोड़ी जाने की बात कही जाती है। शिव मंदिर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा श्रावण मास व नागपंचमी के अवसर पर आयोजित होम हवन, महाप्रसाद वितरण आदि के आयोजन हेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष नरसिंह हजारी, सचिव लोकेश सिवकी, विश्वस्त किशोर पटेल, एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, एडवोकेट भूपेंद्र पुरे, मनोज बसवार, आत्माराम कमाले, नामदेव सावजी, श्री किशन मेंदोले आदि परिश्रम ले रहे हैं। मिशन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से नागपुर जा रही निजी ट्रैवल्स ने खड़े टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह निजी ट्रैवल्स बस रोजाना की तरह चंद्रपुर के पालगांव से नागपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान जाम की आके नागपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैवल्स चालक ने खड़े टैंकर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैवल्स के कैबिन के परछक की उड़ गए। बस में 50 से भी ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद घायलों को नागपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक 48 वर्षीय धीरज कुलकर्णी बल्लारपुर पेपर मिल में अधिकारी के रूप में कार्यरत था और वह अपने एक रिश्तेदार के सगाई के कार्यक्रम में बल्लारपुर से नागपुर जा रहे थे। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिशन न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट। संपूर्ण देश में नागपंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता की पूजा की जा रही है। वहीं सावनेर तहसील के ग्राम खुरज गांव के किसान मंगेश राउत के खेत के कुएं से ब्राउन कोबरा प्रजाति के जहरीले नाग को सर्पमित्रों ने अथक प्रयास कर जीवन दान दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान मंगेश राउत अपने खेत में नागपंचमी के अवसर पर पूजा करने हेतु पहुंचे तो उन्हें कुएं में सांप के फुफकाने की आवाज आने लगी, जिससे उन्होंने कुएं में झांककर देखा तो कुएं में नागराज दिखाई पड़ते ही उन्होंने सर्पमित्र अजय पटेल को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही अपने सहयोगी सर्पमित्र घनश्याम तुर्की
सूरज दभाने, मोहित बारसकर, भूषण चिंचोरकर आदि के साथ घटनास्थल पर रवाना हुई। कुएं में पानी गहरा होने तथा नाक जहरीला होने से कुएं में उतरकर उसे बाहर निकालना जोखिम भरा कार्य था, जिसकी वजह से उक्त सांप को पहले तो रस्सी में बाल्टी से निकालने के प्रयास किए, जिसमें नाकामी मिलते देख आसपास के सूखे पेड़ों की डंगालियां रस्सी में बांधकर उसके द्वारा सांप को कुशलता से बाहर निकालने में सफलता पाई गई। अपने कुएं में गिरे विषैले सांप को सुरक्षा पूर्वक निकालकर उसे जीवन दान देने वाले सर्प मित्रों का किसान भाइयों ने आभार माना। वही सर्प मित्र अजय पटेल ने कहा कि सांप किसान भाइयों का सच्चा साथी है, जो खेत खलियानों में रहकर चूहे, मेंढक तथा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को खाकर किसान भाइयों की मदद करता है। यह सांप ब्राउन कोबरा प्रजाति का होने से विषैला होता है। सांपों की बहुत कम प्रजातियां ही विषैली होती है, इसलिए इन्हें मारे नहीं, इनका संरक्षण करें तथा समय पड़ने पर अपने नजदीकी सर्प मित्र या हमें बुलाएं ताकि सांपों की जान बचाई जा सके। बिसेन न्यूज के लिए सावने से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सरदार नवतेज सिंह धालीवाल 16 अगस्त को स्वर्गवास प्रदान कर गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए वाड़ी नाका नंबर 10 स्थित गुरुद्वारे में आज अरदास व लंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कुकुम्बारपा, जर्नेल सिंह, गुल्लू सरपंच, टोनी जक्की, रामदिया शर्मा, नरेंद्र मिश्रा, राकेश अग्रवाल, सुनील पांडे, राकेश त्रिपाठी, गुरबीर सिंह गोरा, समाटी राणा, रूबी चटवाल, जुझार सिंह, राजेंद्र मोर आदि कई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उपस्थित रहे व सरदार नवतेज सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाहे गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन मृत आत्मा को जगह दे, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जितने भी परिवार जन हैं और उनके जो चहेते साथी हैं सबको इस दुख घड़ी के सहने की क्षमता दें, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे तरह से भाईचारा सभी लोगों के बना रहे, एक अच्छा संदेश जाए और अच्छी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग उनको याद करेंगे। हमारे एक साथ में जिन्होंने एक ट्रांसपोर्ट यूनियन के लिए, उन्होंने एक हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने राउरकेला गए थे और राउरकेला में उन्होंने अपने अच्छे प्रस्ताव को रखे, ऐसे हम वीर योद्धा को नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। वाहे गुरु जी की, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमारे परम आदरणीय नवतेज सिंह जी धालीवाल, जो अंतिम समय उनके जीवन का था, जो 4 दिन हम लोगों के साथ गुजारे, हमें आशीर्वाद देने राउरकेला तक गए, संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चे की मीटिंग में सीनियर एडवाइज़र थे वो, और वहाँ से आने के बाद जो अगले 2 दिन में वो स्वर्ग सिधारे, तो उनकी जो 4 दिन की यात्रा हमारे साथ रही वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हम चाहकर भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं, पर जैसी वाहेगुरु जी की मर्जी, भगवान की मर्जी। अंत में हम सब ट्रांसपोर्ट वासियों की तरफ से, संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे बड़े वीर नवजोत, क्या नाम बोले, नवतेज सिंह जी धारीवाल जी, हमारे जिनका स्वर्गवास 16 तारीख को हो चुका है, जो कि ये हमारे भाई जो खड़े हैं, हमें मिश्रा जी, राकेश अग्रवाल, जर्नैल सिंह जी, इनके साथ में राउरकेला गए थे मीटिंग के अंदर में, इनके साथ में अच्छा इनका उठना बैठना था और अच्छी इन्होंने वहाँ पर मीटिंग करी, सब कुछ करी। मीटिंग होने के बाद में जब वो वापस हैदराबाद लौटे, हैदराबाद लौटने के बाद में उनका कोई जो भी उनके घर के अंदर में उनका परिवार का जो भी था, कुछ विशाखापट्टनम गए, विशाखापट्टनम में उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूं, और हमारी यूनियन की तरफ से, हमारे जितने ट्रांसपोर्ट भाई व्यवसायी या जितने खड़े हैं, मैं सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनके परिवार को सुखी और अच्छा रखे, उनको 84 के गेड़े से बचाए और अच्छा रखे। इनके जो भी इन्होंने ज़िंदगी के अंदर में अच्छे काम किए, जो भी पुण्य के काम किए, मैं भगवान से ये भी काम हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भगवान इनको, इनकी आत्मा को शांति दे और सुखी रखे, और परिवार में जो भी इनका काम काज है बराबर पीछे भी चलता रहे। मैं ये हाथ जोड़ के सत श्री अकाल करता हूँ। मिशन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली के पंजाबी कॉलोनी नरेला में सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ राजू मेडिकोज में किया गया। इस अवसर पर सर्व औषधि स्टोर के डायरेक्टर अरितमन जैन, पंजाबी कॉलोनी आप निगम पार्षद श्वेता खत्री, डॉक्टर सचिन चावला, डॉक्टर केशव गुप्ता, हरीश मल्होत्रा, राजीव चावला, एनडी अरोड़ा, सदाराम गुप्ता, एपी चावला, सतीश बत्रा, एमएल जैन आदि गणमान्य लोगों द्वारा सर्व औषधि स्टोर का फीता काट कर शुभारम्भ किया गया। सर्व औषधि स्टोर के डायरेक्टर अरितमन जैन द्वारा आए हुए सभी लोगों का शाल उड़ाकर व माला पहनाकर उनको उपहार स्वरूप सर्व औषधि और बैग देकर उनका सम्मान किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राजू मेडिकोज के अंदर सर्व औषधि की सभी मेडिसिन उपलब्ध है। नाखून से लेकर सर के बालों तक हर एक मेडिसिन कम कीमतों में उपलब्ध है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर अरितमन जैन ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल उन लोगों तक कम कीमतों पर दवाइयां पहुंचाना है जो लोग बढ़ती हुई कीमतों के कारण दवाइयों के अभाव में या तो अपनी जान गंवा देते हैं या फिर अपनी आंखों की आंखें अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के होते हुए देते हैं। आज सर्व औषधि स्टोर में हर वो दवाई उपलब्ध है जिसकी जरूरत आम इंसान को पड़ती है, वो भी सबसे कम कीमतों के अंदर। राजू मेडिकल स्टोर के संचालक डॉक्टर सचिन चावला ने बताया कि सर्व औषधि स्टोर के माध्यम से हर एक को अब कम कीमतों पे सभी मेडिसिन कस्टमर को मिल सकेगी और वो भी पूरी गुणवत्ता के साथ। जितना विश्वास हम अन्य दवाइयों पर जताते हैं, सर्व औषधि भी उन सभी दवाइयों के विश्वास पर खड़ी है। तो मैं अपनी छोटी बहन का आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो सर्व औषधि स्टोर है, सर्व औषधि स्टोर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे करणधार, जो हमारे देश को इस ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाले, जिनका बेड़ा उठाया हुआ है हर घर के अंदर दवाई मिले, 24 घंटे मिले और कम रेट पे मिले, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोगों ने, मैं लाला जैन सिंह जैन सिरसिली वाले बड़ौद का बेटा पोता हूँ, श्री सिकरसन जैन का लड़का हूँ और श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का शिष्य हूँ, उन्हीं की प्रेरणा पाकर ही हम लोगों ने इस देश की सभी पब्लिक को, उसमें चाहे वो टाटा हो, चाहे वो नीचे सड़क पे चलने वाला कोई भी भाई हो, सबको दवाइयाँ सस्ती चाहिए। जब कोई भी आदमी, चाहे वो ज़्यादा पैसे वाला है चाहे वो कम पैसे वाला है, जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी आंखों में सबसे पहले पानी आता है। 25 साल में जो हमारा ये निचोड़ निकला है कि कई ऐसी दवाइयां हैं जो आदमी, आम आदमी बहुत से बहुत बाहर है, और कितना भी हम डिस्काउंट करें फिर भी एक गरीब आदमी उसको लेने में मतलब सक्षम नहीं है। तो हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आए जिसमें हर आदमी अपनी रोग को दूर करने के लिए दवाई लेते उसमें डरे नहीं। कुछ जेनेरिक मेडिसिन पहले शुरू से आती हैं पर उनमें एमआरपी और रेट में इतना डिफरेंस होता था कि पेशेंट को, कस्टमर को पता नहीं चलता था कि मैं, मुझे सही रेट कहाँ से मिलेगा। हमारे पास जेनेरिक मेडिसिन है उसका एमआरपी इतना कम है कि कस्टमर को, पेशेंट को डिस्काउंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। गोंदिया जिला पूरे महाराष्ट्र सहित भारत में धान की फसल के लिए प्रसिद्ध जिले के रूप में जाना जाता है और जिले में मुख्य रूप से धान की फसल बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है। लेकिन जिले में इस बात का अफसोस है कि इस धान की फसल पर निर्भर कोई बड़ा उद्योग नहीं था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रफुल्ल पटेल हमेशा गोंदिया में उद्यमियों को लाते हैं। इसके अलावा एक उद्योगपति ने धान की फसल को संसाधित करने और उससे तेल बनाने के लिए गोंदिया जिले में एक परियोजना स्थापित की है, यह उपलब्ध होगा। गोंदिया जिले में धान की बड़ी फसल होती थी लेकिन जिले में धान पर निर्भर उद्योग स्थापित नहीं थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई उद्योगपति अब धीरे धीरे अपना पैर गोंदिया की ओर कर रहे। सिद्ध विनायक समूह ने धान से चावल बनाने के बाद बचे हुए भूसे से तेल बनाने और मवेशियों के लिए आवश्यक चारा तैयार करने के लिए गोंदिया शहर के पास राजे का गाँव में एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित की है। इस उद्योग से क्षेत्र के करीब 300 नागरिकों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। इसे हाल ही में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा पटेल ने लॉन्च किया था, इसलिए नागरिक अब उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े व्यवसायी धीरे धीरे गोंदिया में स्थानांतरित हो जाएंगे। गोंदिया जिला राइस चा फार मोठा उद्योग आहे आणि राइस चा बाय प्रोडक्ट म्हणून हे सॉल्वेंट प्लांट लागलेला आहे आणि जनक राज गुप्ता आपले गोंदियाचे आहे आणि यांच्या बरोबर ज्या लोकांनी हे प्लांट लावला आहे हे देशाचे फार मोठे उद्योगपती आहे आणि गोंदियामध्ये हे प्लांट लावण्याच्या मागे एक मोठा उद्देश आहे त्यांचा की ते राईस ब्रँड म्हणजे जे कुकूस आहे त्याला पण भाव मिळतील आणि कॅटल फीडचे जे आहे ते गुड्स बनतील इथं आणि एक्सपोर्ट पण होतील आणि जरी 300-400 लोकांना रोजगार भेटणार
आणि अशाही पद्धतीने जरी राईस उद्योग बरोबर चालला तो पुढे यांच्या रिफायनरी लावण्याचा इथे प्लॅन आहे आणि मोठे उद्योगपती असल्यामुळे हे एक चांगला उद्योग इथे आणला त्यांच्याबद्दल गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीनं त्यांचे अभिनंदन. शेतकऱ्यांसाठी फार चांगली गोष्ट आहे की शेतकऱ्यांचे प्रोडक्टच्या जरी कॉम्पिटिशन झाला मोठा उद्योग आला तो ते भाव वाढणार तो त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आणि इथे लोकलमध्ये जे लोकलमध्ये रिक्रुटमेंट होईल म्हणजे इथे लोकलमध्ये जे लोक लागणार आहे तो ते शेतकऱ्यांचेच मुले लागणार आहे. टेक्निकल लोक बाहेरचे होऊ शकतात आणि आपल्याकडे पण जे टेक्निकल लोक आहे आता यांच्याशी मी बोलताना यांनी सांगितलं की आपल्या जिल्ह्याचे या उद्योगासंबंधित जे लोक आहेत त्यांना आम्ही प्राधान्य त्यांना रोजगार देणार यांची अशी मंशा आहे. जे प्लांट ऑयल बनाने का है राइस बनाने से गोंदिया में हमने प्लांट लगाया है. हमारे हिसाब से इस एरिया में बिगेस्ट प्लांट होगा. ये 300 बंदे को अभी रोजगार मिलेगा. जब ये एक्सटेंड होगा तो 300 बंदे को और रोजगार मिलेगा 2-3 साल में. राइस रन ऑयल और कैटल फीड के लिए होता है DOC बोलते हैं उसको, राइस रन डी ऑयल, वो बनना है यहाँ से. ऑलमोस्ट डायरी को जाना है और एक्सपोर्ट भी होता है. जो ऑयल निकलना है वो रिफाइनरी को जाना है. सेकंड स्टेप पे हम रिफाइनरी भी यहाँ डाल सकते हैं. अभी हमने यहाँ नहीं इसलिए सोचा, ये एरिया हमें खाली लग रहा था, लेकिन हमें आने के बाद पता चला एरिया खाली था जब हमने सोचा, लेकिन जब हमने स्टेप उठा लिया तो यहाँ थोड़ा राशि यहाँ भी शुरू हो गया. तो हमारे आने का पर्पज़ था ऑलमोस्ट 50% मतलब के है. अभी भी मोटा मोटा एरिया खाली पड़ा था तो हमने यही सोच के एक जानकराज गुप्ता ही हमारे रिलेटिव हैं, उनकी सपोर्ट से हमने जानकराज की वजह से हमने यहाँ का एक मेन रोल है उनका है हमारे यहाँ आने का. सिद्धिविनायक सॉल्वेंट प्लांट के शुभारंभ के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हमारे मेहमान सभी उद्योगपति जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं उनका हमारे ज़िले में स्वागत है. और ये जो नई शुभारंभ होने जा रही है हमारे गोंदिया शहर के लिए और हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए एक शुभ हो, ऐसी मैं यहाँ से शुभकामना देती हूँ. और ऐसे आने वाले दिनों में सालों में ऐसे कई उद्योग आए हमारे ज़िले में और हमारे युवा साथियों को काम मिले और हमारे गोंदिया का विकास हो. जैसे बड़े बड़े उद्योगपति प्रयास करेंगे तो ऐसे कई उद्योग आएंगे तो बेरोजगारी बेशक दूर होगी. बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट. रासो बेड़कर महाविद्यालय हिंगन घाट, यहाँ शहीद चंद्रशेखर कोरे के पावन स्मृति पर पैरा मिलिट्री मित्र परिवार हिंगन घाट द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में ग्रुप केंद्र CRPF नागपुर के द्वितीय कमान अधिकारी, सहायक कमांडेंट व पथक लाजुरकर सर प्रिंसिपल, रासू बेड़कर कॉलेज पुंडलिक बकानी, माजी सैनिक कल्याणकारी ट्रस्ट रुपेश लाजुरकर, वना नदी संवर्धन संस्था मजिद बेग मुगल, NCC पथक और अन्य संगठन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई. प्रसंग पर शहीद चंद्रशेखर कोरे, शहीद नितिन पुट्टेवार, शहीद प्रकाश ढाले, स्वर्गीय कालिदास सातघरी के परिवार को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया. इस वक्त मान्यवरों ने मनोगत व्यक्त किया. कार्यक्रम को पैरा मिलिट्री मित्र परिवार हिंगनघाट तहसील और परिवार कार्यक्रम को उपस्थित थे. पूर्व सैनिक कल्याणकारी ट्रस्ट हिंगनघाट पदाधिकारी इत्यादि उपस्थित थे. बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट. हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज. नमस्कार.